तो वेल दोस्तों, थिरकने के लिए तैयार हो जाइए बाला बाला जैसे और भी सॉन्ग्स पर। वैसे अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बाला बाला जो सॉन्ग है वो तो हाउसफुल 4 का होने वाला है। तो दोस्तों आपको एक अच्छी अपडेट दे दूं, मेकर्स ने जो हाउसफुल सीरीज है उसके मेकर्स ने कह डाला है कि भाई हम हाउसफुल 5 को लेकर आ रहे हैं। जो कि अपने आप में एक अच्छी खबर है फैंस के लिए। अब देखो दोस्तों, ये खबर आई है तो हाउसफुल सीरीज के जो सभी फैंस हैं उनके दिलों की धड़कनें तो बढ़ चुकी है कि आखिर इसकी स्टोरी ये कब रिलीज होने वाली है। बहुत सारे ऐसे तमाम अपडेट्स तो इस वीडियो में पूरी की पूरी शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक ही पार्ट इस वीडियो का मिस मत कीजिएगा, बने रहिए इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी नई नई जानकारियों के लिए पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वेल दोस्तों, आज की बात करूं, आज है 30 जून तो आज को ये अपडेट आई है कि हाउसफुल के जो मेकर्स हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हम लेकर आ रहे हैं अपनी एक और नई सीरीज हाउसफुल 5। देखो दोस्तों, ये तो पता है कि हाउसफुल की जो भी सीरीज अभी जो भी पार्ट आते हैं वो अपने आप में ही धमाल मचाते हैं। अगर मैं बात करूं, हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ था हाउसफुल 4 तो उसने भी बहुत ही कमाल किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे हाउसफुल सीरीज के बारे में तो लगभग उसने 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों आपने सही सुना है, हाउसफुल के जितने भी पार्ट्स आ चुके हैं उनका अगर टोटल किया जाए ना तो उन्होंने कमाए हैं पूरे के पूरे 800 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और वैसे दोस्तों मैं बात करूं अगर हाउसफुल 4 की ही तो उसमें हमें अक्षय कुमार देखने को मिले थे। वेल दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि अक्षय कुमार का 2023 का ये साल तो अच्छा नहीं बीता है क्योंकि उनकी रिलीज हुई सेल्फी तो बुरी तरह से पीटी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जब से ये मूवी का अपडेट आया है कि हाउसफुल 5 में फिर से अक्षय कुमार दिखने वाले हैं, रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन उससे भी पहले मैं बता दूं कि अक्षय कुमार इससे पहले बड़े मियां छोटे मियां में नजर आ सकते हैं। उनकी एक और मूवी है जिसका नाम है कैप्सूल गिल, और एक और मूवी है जिसमें अक्षय कुमार नजर आने वाले हैं, उसका नाम होने वाला है गोरखा और सोराराई पोटरू। पैसा ही पैसा होगा। देखो दोस्तों, जितनी भी हाउसफुल सीरीज आई है वो तो आपको और मुझे ही पता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा है जो दिल जीतने वाला और हंसाने का काम किया है वो किया है अक्षय कुमार ने, रितेश देशमुख और साथ ही साथ बॉबी देओल ने। इस फिल्म की जो भी फ्रेंचाइजी आई है दोस्तों, कमाल का एक कॉमेडी, एक सस्पेंस और साथ ही साथ फुल टू फैमिली ड्रामा देखने को मिला है। अब आए ना लाइन पे। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेकर्स हाउसफुल 5 पर बहुत ही ज्यादा पैसा लगाने वाले हैं और जो इसका बिग बजट होगा वो लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए के बीच होने वाला है। चल झूठा। अब देखो दोस्तों, मैंने बात की आपसे हाउसफुल 5 के बारे में, तो अब जान लेते हैं कि आखिर इसे कौन डायरेक्ट कर रहा है, आखिर इसे कौन बनाने वाला है। तो इसे देखिए दोस्तों, हाउसफुल 4 का जो डायरेक्शन किया था वो किया था फरहाद सामजी ने। और दोस्तों आपको बता दूं कि हाउसफुल 5 का जो डायरेक्शन करने वाले हैं वो करने वाले हैं तरुण मनसुखानी जी। और वेल दोस्तों, अगर आपके मन में है कि तरुण मनसुखानी कौन है तो मैं आपको बता दूं कि तरुण मनसुखानी ने दोस्ताना और ड्राइव जैसी मूवियों को डायरेक्ट किया है। अब दोस्तों अपडेट तो दे दी है मैंने, जाते जाते आपको ये भी बता देता हूँ कि आगे हाउसफुल 5 कब तक आने वाली है थिएटर्स में। तो वेल दोस्तों आपको बताते चलो कि मेकर्स ने हाउसफुल 5 के जो नया अनाउंसमेंट इन्होंने किया है उसमें बताया है कि हम हाउसफुल 5 को दूसरे साल यानी कि 2024 में दिवाली के दिन पर रिलीज करने वाले हैं। वेल दोस्तों, मेकर्स ने तो डेट बता दी है लेकिन फिर भी ये मेकर्स के ऊपर ही रहेगा कि वो हाउसफुल 5 को कब तक रिलीज करेंगे थिएटर्स। जो भी अपडेट्स रहेंगे आपके साथ शेयर करते रहूंगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ट्रेंडिंग जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।